तो उसमें तकरीबन 160 फेल है सर। तो मुझे जो नहीं पड़ेगा मेरी तरफ से वो 200 की 200 प्लस एफ ले लें, मेरी तरफ से 200 प्लस ए ले लें। मुझे कोई दस मुझे ये पता है कि जो पड़ेगा वही पास। आपका जो बैच वो मेरे पास है 700 प्लस। मुझे बिल्कुल भी शर्म और लामत नहीं आएगी अगर मैं उसमें 350 फेल भी करता जो नहीं पड़ेगा। मैं क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, नहीं तो मैं उड़ा दे रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा अवध यूनिवर्सिटी खुश होगी, मुझे अगे कह दिया फेल करो, आपका रैप्टर नहीं आया है, वो आर्मी से पता है, वो कह रहा है कि आपको एक नंबर भी कम ज़्यादा नहीं देना, आप फेल होते तो उड़ा। और अभी शायद मेन कैंपस में तो बड़े इश्यूज बने हुए दूसरे डिपार्टमेंट्स के कि वो उड़ा रहे हैं काफ़ी। मैं आपको बड़ा क्लियर कट दे क्लियर कट मैसेज लाउड मैसेज दे दो कि मैं ना किसी को टारगेट करता हूँ और ना मैं किसी को फेवर देता हूँ। मेरे नज़र में सिर्फ वही पास होगा जिसने SCP-3 पढ़ी, नहीं तो मैं उससे बेहतर होकर कोई प्रेशराइज करता है या कोई कहता है मैं नौकरी छोड़ दूँगा पास नहीं करूँगा चाहे जिसकी मर्जी सवाल। तो SCP-3 वो ही पास हो गए पढ़े। बात गलत तरीके मैंने प्रैक्टिकल उसकी एग्जाम्पल देख ली थी SCP-2 के दोस्त SCP-2 में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ली थी मुझे देख ली क्योंकि मैं ना किसी के साथ ज्यादा कर सकता हूँ ना नहीं कर सकता। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पढ़ाई नहीं कहना आपको कोई तरह से राय रखता हो तो प्लीज इतराफे राय का भी मैं आपको देता हूँ, इतराफे राय मुझे बताए तो गलत बात की हो। तो आप सारे इस बात पे एग्री हैं कि जो बड़े का वही पास होना चाहिए। यस सर। दूसरी चीज मैं बता दूं कि मेरी नजर में जब ग्रेड ये होता है और इसके लिए मैं रिलेटिव ग्रेडिंग करते ही मैं जो 100 में 100 से स्टार्ट हूँ। अब पिछले बैच में हाईएस्ट 62 बन रहे हैं, क्या करूँ विवाद रहते हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 62 हाईएस्ट है, बाकी के लिए 38 36 वो पास ही फेल हो जाते हैं। रिलेटिव ग्रेडिंग 50 तो चाहिए चाहिए ना, तो रिलेटिव ग्रेडिंग में कहा मिलता है ए बन रहे अगर इसमें फेल। तो इससे फिर क्या नतीजा आप बताएं, आपने क्या नतीजा अखज किया? सही कहा, ये पढ़ना है प्रैक्टिकल भी साबित हुआ था। और तो बात जब दो क्लासेस क्लासेस ग्रुप दो, हाँ दो क्लासेस, अब ये भी दो क्लासेस जो पढ़ाया का मौका मैं पढ़ा। अब मसला ये कि इस दफा दो ही है, जब आप SCP-4 पढ़ने आएंगे इंशाल्लाह फिर वो पूरी क्लास पूरे चार में हो, अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरी ख्वाहिश है सब ए लेके जाए बी लेके जाए सी भी चलो कर लेंगे। मैं बताता हूँ ना कैसे कैसे सुनूंगा सारा बताऊंगा यार। अब ये है कि दो क्लासेस हैं उसमें जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाना ही चाहिए, उसके लिए अटेंडेंस भी जरूरी होती है। आप इतने दूर से आए, आपके आने में और ना आने में फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्या फर्क है? तो जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है ना, दो भी क्लासेस पहले तो मैं ऐसे एग्जाम ही नहीं बैठने दूंगा अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफ यूनिवर्सिटी, बैठा भी लूंगा तो पास नहीं कर। गलत नहीं कर रहा है क्योंकि अगर बाय चांस
तो अगले सेमेस्टर में मिलेंगे ना, इस समय तो कोई मसला नहीं है। कोई बात नहीं, वो अगले अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। तो उसका, हाँ उसका कंपनसेशन ये की थी कि वो इस हफ्ते में कोई भी क्लास ले सकते हैं और ली है लोगों ने। इस वीक के लिए उनको कंपनसेशन दी गई, इस हफ्ते में कोई भी क्लास ले। और कोई सवाल? सर क्लिनिकल रोटेशन में आगे भी क्लास हो रही है तो एसएचएस में नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, मैंने तो अभी भी मैसेज किया कि क्लास से बाहर अरेंज करने की कोशिश कर। सर ये अनफेयर नहीं है कि अगर 10 क्लासेस का सिलेबस हम 2 क्लासेस में करें और फिर साथ ही असेसमेंट दे 2 क्लासेस की पूरे 10 क्लासेस के सिलेबस में? इसमें स्टूडेंट का लॉस है ना, हालांकि उसने तो नहीं ना लॉस कर देंगे। 3 और 2 नहीं लॉ करते हो? सर फिर वो अपना एक और कोर्स अगले वाले सेमेस्टर का कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, फिर ऐसे उनकी डिग्री लेट हो जाएगी। अब अपने दो क्लासें होंगी, इसकी वजह से पास नहीं, मैं जो पढ़ाऊंगा ना मैं वो कवर करके देखूंगा। तो तीसरे चौथे सारी क्लासेस भी करती है वो, हम पहले 15 दिन में पार के जी आई डी सी पी एस रेस्पिरेटरी आप पूरे फिर दो दो क्लास जो रेस्पिरेटरी है ये तो वही क्लास में दबाव से सेट कर दें। सर इनको चाहिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर से एससीपी स्टार्ट से ही शुरू करवा दें ताकि हम लोग अब हमारे वाइवास फाइनल्स। सर अब इस तरह बहुत अगली दफा स्टार्ट नहीं शुरू हो वही ना तो आप चाहे वो पढ़ लीजिए वो पढ़ो, चलो ये कर रहे थे एस सी पी प्लस मेडिसिन भी पढ़ाते हो गए ऐसी बात सारा कोई पढ़ाई भी देर हो गई ऐसी बात परेशान नहीं हूँ मैं, तो स्टूडेंट जो कहता है मान मैंने तो रिजल्ट भी अपने हाथ में रखा है, मैं तो दादम किया कैसे होगा टेस्ट टू का? पहले तो आप देख रहे थे कि अगले हफ्ते आपको क्विज ज्वाइन कराओ, ये आप पहले देख रहा जो भी थोड़ी देर बाद सी आर डी आर बनेंगे उनको पूरे तरीके को डैश बहुत बड़ा है उस समय मैं सारा तरीके का काम करूँगा। वो आप ग्रुप बना हुआ है इसका आपका बन गया एस सी टी 3
बना हुआ है दो ने उसका एक ही बना दो तीन दिन पड़े एक ही है सर जीआर ना कोई काम नहीं इसको जीआर ना ये आपने उस ग्रुप में मुझे ऐड करके मुझे ग्रुप ऐड करना मेरे साथ जो थोड़ी देर बाद सी आर जी आर बनेंगे मेरे साथ वो ग्रुप है ठीक है आप सी आर बन एक सी आर जो जिनको आर टी आर बाकी जो भी लड़के लड़के अभी बनेंगे थोड़ी देर में फिर आपने सिर्फ उनको ग्रुप का एडमिट कराना है और जो भी सी आर जी आर बने वो और ग्रुप का नाम रखा है आपने एस सी पी थ्री वेडनेस डे सबसे पहले असेसमेंट आप लोग चाहते हैं कैसे हो गई हमारा दो अटेंडेंस जो है वो 100% इज रिक्वायर्ड टू सिट विद द ग्रेजुएशन अदरवाइज ही और शी विल बी क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एग्जाम इफ ही और शी सिट्स इन एग्जाम बाय सफारिश नो प्रॉब्लम सर इज नॉट क्वालिफाइड बहुत ही खूबसूरत अच्छी बात है मेडिकल इशू मैं खुद डॉक्टर हूँ मेडिकल मैं खुद आप जहाँ से मर्जी लिखवा लाए आप यूनिवर्सिटी से भी लिखवा लाएंगे तो मैं उसको तब तक मैं खुद डॉक्टर हूँ खुद सर काट सकते हैं सर एग्जामिन से आपको ऐसा मसला है किसको कह सकते अगर गाड़ी का मसला होगा तो गाड़ी का तो करवा लेंगे उसके लिए भी आप आ सकते मैंने वाइवा लेना है वाइवा तो पूछ लेना है बाहर भी नहीं चलती अगर ना करेगा सब कुछ हम आल्टरनेटिव सारे मैथ अगर वो घूस उसको कोई प्रॉब्लम होता है हम हाथों से लिखवा देंगे हाथों से कोई प्रॉब्लम होता है पाँव से लिखवा देंगे पाँव से कोई प्रॉब्लम होता है तो साथ वाली उम्र में इसको हम जी कवर हेट हो गया फिर अगर अगर ना ना करे ऐसा इशू आ जाए तो बहुत बाकी जेन्युइन इशू है कांग्रेस में अच्छा अटेंडेंस 100% चाहिए और प्रॉक्सी कोई किसी के अंदर आप अपने स्टूडेंट हैं इधर आ जाए किसी भी असेसमेंट की परसेंटेज आप लोगों ने बताऊंगा आप लोगों ने जब आप रिजल्ट आएगा खुद देख ना इसको ना कोई मिड होता है ना कुछ और होता है उन्होंने पूरे को पूरे असेसमेंट को उसको बेस दे दिए जिसमें ये परसेंटेज में आपको क्यों नहीं बता रहा कि अगर मैंने परसेंटेज बता दी तो कुछ लोग ऐसे हो गए जो फेल हो रहे हैं कुछ भी बहुत हो रहे हैं तो मैंने उनको मैं इतना अच्छा मैं आपको कंपनसेट कैसे करूंगा कि मैं देखूंगा ओवरऑल दैट क्या जो बहुत अच्छे जाएंगे वो तो लाल बाल को यही मिलेगा वो जहाँ थोड़ा डाउन डाउन होगा वो तो यही बात जो कोई मेरे वर्ग में रहा को नहीं उनको कहाँ मैंने कंपनसेट करा मैंने देखने के लिए वो फिर बाद देखूंगा मैं इसको कैसे यार गड़बड़ करूँ कि ये परसेंट काम कर दे ज्यादा कर दूँ मतलब आप रहम भी करेंगे रहम भी कर मेरे हाथ में कुछ नहीं अगर मेरे हाथ में अपने दालू जो भी सी आर जी आर बने पिछले जो लड़कियां जरा हॉस्टल में रहती है ये वो मिलो एक्सरे वाली कापियां ले आके नहीं फिरा देंगे लोग एस सी पी टू की है ना मैंने उनको बनवा दी ये दो बुक्स हैं इसकी एक एस सी थ्री की लॉन्ग बुक होगी और ये एक
आप लोगों को मीटर गलत हुए हुए हैं, ये एक बुक जो कलर्ड जिसमें तस्वीरें वगैरह और आप लोगों ने जिस टीचर से देखी उसके सैंपल हैं, ये मैंने जितना भी इधर तो किताबें मैंने लिख के तब एक किताब भी फॉर्म मिले। ये दोनों बुक्स जो प्रिंटिंग में आती है क्योंकि ये सारी कलर्ड है, क्योंकि ज़्यादा कॉपी होती है सस्ती ना कि 450 में दोनों कॉपी बनती है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो हर बैच को मैंने अपने सी आर डी आप इनसे 450 लेके नाम जो भी अगर सी आर डी आर बनेंगे और अपने सी आर कंसर्न जिसको भी आप करवाए 450 रुपया की व्हाट्सएप यानी कि दोनों चीज़ों का 450 रुपया और फिर वो छाप के आ जाएंगे एक दवाई। और जो अपने बनवाने चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो अपने बनवा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि मैंने ज़्यादा ज्ञान इसमें से दिया। तो सारा और साथ आप लोगों ने अपनी बेड साइड सॉफ्ट कॉपी में भी दो ग्रुप में लेकिन बेड साइड में और यूनिवर्सिटी ने कोई ना क्या उन्हें मेरे से बीएससी में 3 पढ़ लिया वो है ना बड़ा क्लियर कट बता मेरा 3 करोड़ का सब्जेक्ट मैं 3.8 से सीजीपी डायरेक्ट 3 पे ले जा सकता या दिन का, इसलिए मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं बताना। मैंने किसी को कहा कि वो सब्जेक्ट छोड़ मेरे पास आ जाए और जो मैंने बता दिया है सीआरडीआर जो भी बनेगी वो छोड़ दे वो नोट कर। पहले पहले एक बार सीआरडीआर बना दे सीआरडीआर तो फिर आप खड़े जा सकते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90,
جو یہ بنے مجھ سے زیادہ پیارا لوگ اپنے ہفتے کو 12 بجے تک اکٹھی کر دی وہ 12 بجے تک 12:01 منٹ پہ لاسٹ ٹائم تک 1 منٹ پہ بچہ نے کیا کہ یہ بھی لوگ جمع کر سی آر جی آر کے پاس اختیار آتے وہ اس کو ایسے پھاڑے اس کو واپس رکھا تو آپ میں بالکل ایسا ٹائم ضائع نہیں کرتا جس میں آپ کا بھی ٹائم ضائع اور میرا بھی چڑھا آپ کا فائنل
रोटी कहाँ से खाएंगे आप? मनाल आपकी जिम्मेदारी है की इस हफ्ते के अंदर अंदर जो एक परफॉर्मा है उसको मैं कहता हूँ असेसमेंट परफॉर्मा, उसके ऊपर एक बायोडाटा होगा, इधर एक तस्वीर लगानी आप लोगों ने जो बेल करती है वो बेल कर जो दूसरा बेल करता है वो बेल के अंदर लगाएगा, नीचे स्पेसिमेंट से लेकर के एक फीचर एक दो से दरमियान में वो कुछ ना छेड़े, दरमियान में वो सारे मैंने असेसमेंट टूल बनाए ये प्रेजेंटेशन दे उसका बिहेवियर क्या जा रहा है एटीट्यूड, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर दूंगा, मैं बदतमीजी किसी की बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मैं क्लियर बैठा मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, बदतमीजी मैं किसी का बर्दाश्त कर, अगर किसी को है तो वो करके देख लूँगा उसको आइडिया दूंगा, तो ये वो पॉइंट उसके मैंने ओवरऑल टूर बना लिया, जो टूर है ना उसके मुताबिक वो टूर नहीं आप लोगों ने छेड़ा क्योंकि वो उतना ज़्यादा छेड़ी है वो मैंने असेसमेंट बना लिया, क्योंकि रात बाद इतना बच्चा है मैं आप प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपके लिए एक्सटर्नल बुलाऊँ इंटरनल किसी बंदे को बुलाऊँ अपने साथ बैठ जाए अकेले कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देख ली उधर से बड़ा गलत किया ना हमको छोड़ दिया चाहे मैं वायवा लू लेकिन 10% 5% रख आखिर जब रिजल्ट खराब होया की मतलब पूछ के लै 100% ते जाऊं मेरा कोई पता नहीं आप लोगों ने 5 cases दे रहे हैं अपने पेज अभी से लिखने शुरू कर दिए, मैं अचानक कह रहा अपने लोगों को जमा करा दी 5 pages लेते थे 5 अपने अपने डायगनल बनाने उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सीवियर देना है डिफरेंशियल डायगनल बनाने डायगनल बना के आखिरी क्लास में जो एस सी पी टू मैंने चेक किए वो 50 में से किसी के 3 है किसी के 2 है किसी के 4 बल्कि जब मैं बस पे चढ़ना तो एक आया थे तो मैं खलोते खलोते एक मेरे पास अभी जितने असेसमेंट है मेरे पास अटेंडेंस आपके पास क्योंकि मैं कितना स्टूडेंट ओरिएंटेड बंदा हूँ कि अटेंडेंस भी मैंने देखे तो उसके नंबर लग जाएंगे आप आएंगे लोग पता लग गया कि 5 आप लोगों ने हिस्ट्री देखना स्टार्ट कर दी अभी से जो मैंने डेट अचानक किसी ने बता दी कि आप गा खेड़े और मुझे पता है 14 से पहले कोई भी जिन्हें बता दूंगा आप लोगों ने और वो इतना नहीं उठा रहा मैं क्या करूंगा कोई 5 नहीं वो आप अभी ले ले अपने छपवाले मैं इनको भेज दूंगा वो आपको सेंड करेंगे आप अपने उसको प्रिंट कराएंगे जो लॉग बुक होगी ना वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा बहुत इतना फिल करके वैसे दिए वो एक्सरे वाली अगर लोग पिछले साल में वो नहीं मिल जाएगी आप इस फॉर्मेट में अपने बनवा लें
नहीं तो जो इनको पैसे जमा कराएगा, आपको पैसे जमा कराएगा, वो इतनी कॉपी दे, हम सारे गैजेट की मिला के जितनी कॉपी होगी उसको आठ दे, क्योंकि ये सारी कलर्ड कलर आप अपने कराएंगे तो आठ आठ नौ नौ हज़ार की एक मानी जो वो तस्वीरें वाली तो उतना बेहतर है, दो साढ़े चार सौ में दोनों मिलती वो भी उससे बात की प्रधानमंत्री वाले। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने जो भी लास्ट डेट होगा आपने उस दिन अपने कंसर्न सी आर पी आर को जमा करा दें, और कंसर्न सी आर पी आर को लास्ट डेट उसके बाद अगर उन्हें भी नहीं तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, ठीक है। आगे आगे क्विज जो अगले हफ्ते क्विज जो होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैं चार आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे चारों का मुख्य लिख रहा हूँ, हाँ, और उसके बाद जो आपके इधर दरमियान में भी रह जाते हैं ना उनका अगर एम सी क्यू सेम भी होगा तो मैं ए बी सी भी चेंज कर देता, तो क्विज जो होगा वो एम सी क्यू है और शार्ट है। क्विज ऐसे होगा कि 20 इयर्स ओल्ड मेल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये हेल्थ की वाइटर ये सारा करके आठ लेने के बाद एक चीज पूछा, तो क्विज इस तरह का होगा, सीधी सीधी क्विज नहीं होगी, सिनेरियो बेस्ड में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा वो भी सिनेरियो बेस्ड में, ठीक है जी। क्विज आपका मार्क्स का मुझे भी पता, बस बस मैंने आखिर में डिसाइड करना, क्विज का रिजल्ट आप लोगों को दिखा दूंगा, क्विज का रिजल्ट आप लोगों को पहले पता होगा, किसी की याद नहीं अटेंडेंस का पता ही होगा, वो आपको ही पता होगा, मुझे ही पता होगा, मैं नहीं पता था अटेंडेंस जरा परेशान नहीं होना, अटेंडेंस की बस कितने परसेंट की रहता है। अगला आ गया हॉस्की, हॉस्की का एडवांस फॉर्म ऑफ स्पोर्टिंग, ये आपकी मोस्ट पॉसिबल 14 से पहले भी हो सकती है, और उसके बाद भी उसके बाद पेपर आ जाएंगे, और उसकी बहुत मेजर असेसमेंट टूल है, अभी बता रहा हूँ, और उसकी एम सी क्यू ये तिबारा नहीं याद स्पोर्टिंग तरह की होगी, मैं तस्वीरें दे सकता हूँ जैसी किताब आएंगी इस जैसी तस्वीरें दे सकता हूँ, फिर इनका सिनेरियो तो होंगे, मैं कोई डमी पेशेंट बताता हूँ कुछ भी करूँ, ओस्की के लिए मैं फ्री एंड दे दूँ, फ्री एंड इंग्लिश फिक्रा से ही करो आजाद फ्री एंड, चलो फ्री एंड फाल का आजाद, इसका मतलब है अभी तक मैंने कोई भी चीज अपने पास रखी कहाँ मेरे पास, ये तो आप लोगों को मेहनत है, आप जितनी कर ले आप नहीं नहीं आप हाथ में मुझे लगा दो, नहीं होंगे तो नहीं लगा, मेरे पास कहाँ से होगा, मेरे पास मैडम मेरे पास कोई अभी तक कोई टूल तो नहीं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब मैं स्टूडेंट में लगा दो वाइवा आ गए प्रॉब्लम, ये आप आ गए मेरे पास, ये तो की हाल है, ये तो मैंने लेनी थी आपको लगवा पते दे, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें दूसरा वायवा आता है मोहब्बत वाला वायवा, दो जने बैठे जिन्हें मर्जी गप्पा मारते रहे तुम्हें भी पता मैं की पूछ रहे हैं, उस दिन मैं दो चार प्यार में बंदी गल कर रहा इन्होंने किसी ने दो चार प्यार में बंदी गल कर कोई पता नहीं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन वाला वायवा है ना वो ये वायवा था कि प्रेजेंटेशन दी आप लोगों ने दरमियान में मैं भी मैडम के नाल जो दरमियान वगैरह तुम एंड हो जाने तो मैं जगह बना के बैठ गया या तेरे दोवें दरमियान बैठ गए, तो जब उसने प्रेजेंटेशन दे देनी थी तो मैंने अपनी तसली करनी थी सवाल पूछ रहे, जब मेरी तसली खत्म होनी थी फिर पूरे क्राउड को इजाजत थी वो सवाल पूछ रहे, तो बेसिक प्रेजेंटेशन दी गई और उसी में मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूँ, मैंने तसली काटी सारे ठीक है, जो नहीं की थी तो नहीं ठीक, समझे नहीं, अब मसला ये भी टाइम नहीं है बचत होगी नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर
तो अपन अगले सेमेस्टर में देखेंगे। तो उसका हाल मैंने ये निकाला है कि अब जो बच्चा पास किया आरडा तो उसे ऐसी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने हार्ड कॉपी में जमा करा, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या सीबीएसई टॉपिक पकड़ना है उसी तरह उसकी हिस्ट्री ये सारा लिख के एग्जामिनेशन लिख के जो डायग्नोज आपने बनाना है उस टॉपिक के डेफिनेशन काजिज इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ये आप लोगों ने मुझे खूबसूरत सी बात नहीं अभी आपने उसकी प्रेजेंटेशन बनानी ना आप उसको उसमें बना रहे और उसकी प्रिंट आउट भी करवा जैसे दिल करता है बनाए, लेकिन सभा पढ़ाया खूबसूरत फाइल चलाओ या बीच चलाओ, अगर प्रेजेंटेशन 10 नंबर दी ना फाइल 7 नंबर ये लड़कियों वाले काम फुल बुक तुम अपनी बहन से बना लो सब बना है उन्होंने भी पता पास कर लो तो पता ना बहुत पूरी बॉडी इस तरह है सारी बना सब ने बना ली सब ने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और आगे रेस्पिरेटरी और सीबीएसई में पढ़ाया ना उसकी फाइंडिंग और डिफरेंशियल डायग्नोज और डायग्नोज और जो आपने बारे में अस्थमा डायग्नोज बनाया है उसकी आपने डेफिनेशन काजिज इन्वेस्टिगेशन की वो जब आपको फाइनल कर लेना अपने पास बसात उसको भी आपने तैयार होना चाहिए मेरे में उसी में सवाल का स्टार्ट करता टॉपिक नहीं कि पहले ना ध्यान छोड़ दें अब देखिए ये चीज भी मेरे पास नहीं है बस सर इस तरह तो आप अपने पास कर देंगे मैंने आपको दे दिया सर अब देखिए मेरे पास कुछ नहीं है अब आप लोगों पे आप अल्लाह करे सारी ये मेरे पास कुछ नहीं है मेरे को कोई गिला करना है क्यों है मेरे पास जो गिला करने आएगा मैं ये सारी चीजें उठाऊंगा इधर उसकी रख दूंगा इधर क्विज रख दूंगा इधर उसकी नोट बुक रख दूंगा ये आपकी परफॉर्मेंस आपने साथ में रोटी भी बोला था हाँ वो तो फिर अपने कोई टाइम जो मेरा दिल लिख लो ना मैंने रोटी वाले लिस्ट बना लो टाइम ना ली और लिस्ट आप सारी मीटिंग फिक्स हो जाती है ना एक एक दिन से नीचे फेल है आप अपने हिसाब से क्या रखना चाहते हैं अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 100 और अगर आप बहुत ही पढ़ेंगे तो मुझे डायरेक्ट 150 ना देता एक मुंडा जो गाने ला रहे थे केड़ा वा इधर गया ये बैठा है सर
इनके जो ग्रेडिंग है इस टाइम आपकी प्लस का तो ये प्लस ग्रेड हो जहाँ खाना खराब हो जाएगा तो आखिरी दो मिनट में रिजल्ट बना रहा है इसमें कोई ऐसी बात कर दी है खाना बता देना मैं लगाऊंगा टेस्ट पूछ रहा मजाज कर के तुमने जान लिया लविंग सॉन्ग लविंग तो रोमांटिक ब्रेकअप वाला सारी प्रेजेंटेशन का दोबारा एक बार बता दे प्रेजेंटेशन में मैंने ये कहा ना उसकी जो हार्ड कॉपी चाहिए थी कितने टॉपिक्स हो मिनिमम कोई एक डिजीज उससे पहले उसकी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन में सारा वो आपको सीआर की आर आपको टाइम होता है आखिर में 200 की 300 की डिजीज के बाद उसमें डेफिनेशन कादिर इन्वेस्टिगेशन और बहुत लंबी जोड़ी से नाम ये आप अपने टॉपिक पढ़ लें कोई पॉइंट होगी पूरी पूरी पढ़ लें ठीक है जी अब साबित ये होया कि दोबारा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है जो कुछ करना है आप लोग क्योंकि मैंने सुना था ऐसी पिक्चर्स लोग सीरियस नहीं लेते तीन पैर डाल सकता है सर आपने खुद ही कहा कि पढ़ना अपना नाम किस चीज है और ग्रेड आपने बोला ए ए बी बी ए 1 2 है पढ़ा नाम किस चीज है और सिर्फ ग्रेड वो है मेरा नाम डॉक्टर चिलाद है मैं हैदराबाद से हूँ मेरा ए और बी है जिसमें जिसका जॉब ग्रेड हो लाहौर से ये भी बना दे लाहौर हॉस्टल से लाहौर से ना पेरेंट सिटी बना आप 1993 नहीं नहीं तो कह रहे मुगल आए थे जिन्होंने मैं ना बिल्कुल आपके लेवल पे आ गया
गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं इसको एग्जामिन करें तो ये बंद होती है, ये एक लॉक होता है, खुल गया बंद हो जाता है। अगर आप बंद मैं मुझे मुझे एग्जामिन करें मैं आपको पकड़ा दूँ स्टैप से, तो बंद के उत्ते मेरी सारी फाइंडिंग दस दो, ये ब्लेंडर है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले चेक करना है कि लॉक है या अनलॉक है, आपने यहाँ करके देना है, नहीं बांधते ऐसे ठीक है। ये आदत बनाने कि पहले आपके स्टैप से ऑफर भी आए थे, दूसरा आपने पकड़ना कैसे, एक ये है ऐसे और फिर ऐसे, तो जो बाहर की तरफ होगा ना ये चीज इसमें साउंड चाहिए। आज मैंने सुबह स्टैप देखी थी वो मेरा 1200 या 2000 आ रही थी, उसमें ऐसे ही फर्क ये होता, ये लिफ्ट बैंड की, ये लिफ्ट बैंड की है तकरीबन 4000 की, इसलिए इसमें क्लियर कट नजर आ जाता है। लिफ्ट बैंड की स्टैंड 10-12000 से शुरू होकर 2-2 लाख तक भी जाती है, ठीक है तुम लाने हो, लेकिन 2-4 लाख तुझे अपने ये इसमें होता है कि नौकरी होती है उसमें होता है, लेकिन इसमें आपको पता लग जाता है कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ये पता लग जाता है आ गई और लॉक ऑन एंड ऑफ का आपको। एक्सक्यूज मी सर, इधर को मुंह करके पकड़ना बता दें। तो ये रहा ये आप पकड़े, तो जो बाहर की तरफ जाएगा ना उसको आपने पकड़ना है। अगर आप ऐसे कर दो तो ये किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया। आगे आ गया लंग्स, ये क्या होता है, और ये क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसको क्या कहते हैं, करीना और ये दो लंग्स, लो पता आपको लंग के राइट साइड के लोग होते हैं, तीन होते हैं, एक दो राइट के, तीन होते हैं लेफ्ट के, और इसमें कितने होते हैं, तो राइट लंग पे कितने लोग होते हैं, और लेफ्ट लंग पे कितने लोग होते हैं, दिस स्पेस बिटवीन टू रिब्स, ये रिब्स आ रही है ना, इज कॉल्ड इंटरकोशियल, दिस स्पेस बिटवीन टू रिब्स इज कॉल्ड इंटरकोशियल, दिस स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टम, क्या हो गया, मीडियस्टम कोई मसल है आप लोग शुमाइलर कह देना, शुमाइलर कह देना, आप यूनिवर्सिटी है अभी खुशी बड़ी होती है, ये टर्म जब आपको याद नहीं, yes, sir. अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो चेस्ट एक्सरे, तो उसमें एयर किस रंग की नजर आती है, ब्लैक, ये पता, और जो बोन वगैरह ये टिश्यू, व्हाइट,
अब हमारे पास एक्सरे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि एग्जांपल है। आपको पता है कि ये जब राइट की डिवाइड होती है तो जो ये राइट की तरफ डिवाइड होता है ना ट्रेकिया, वो हमेशा क्लिनिकली उसको समझ आता है वाइड होता है और शॉर्ट होता है। तो इसका मतलब अगर सांस की नाड़ी में कोई चीज जाएगी तो वो ज्यादा चांस है कि राइट साइड राइट साइड क्योंकि छोटी होती है और पता लग गया। तो क्लिनिक करिए अगर कोई कहें कि सांस की नाड़ी में कोई चीज क्या अफेक्ट करेगी कि अंदर, तो मोस्ट पॉसिबल किस नाड़ी में जाएगी। अगर आप फिजिकल एक्सरे देखिए तो इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, जो ये वाला एंगल होता है इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, फिर ये क्यों क्या कहते हैं, तो ये एंगल होता है, ये होता है कार्डियो, ये वाले होते हैं। ओवरऑल आपको नाम का थोड़ा बहुत याद रहेगी कि देखिए लॉग्स क्या होता है, लॉग्स के फोटोज क्या होते हैं, टीवी कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि इस एरिया में टीवी जो बाइक के एरिया आते हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन है एपेक्स, एपेक्स में मोस्ट गुड ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें टीवी हो सकती है। हमें लोग पता होंगे तो हम बता सकते हैं अपर लोग में, मिडिल लोग में, लोअर लोग में, कहाँ पे, अगर हमें देखे टीवी हो तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा तो इस तरह लोग्स की अपनी क्लिनिक है। आगे होता है एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क। एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क आप चाहे जी आई टी का एग्जाम करें, आप कार्डियोवास्कुलर का एग्जामिनेशन आए, आपको कोई भी एग्जामिनेशन जब आपने करना है तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। वो क्या होता है, इंस्पेक्शन, प्रिपरेशन, परकशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये आपने पक्का जाना है, आपको हम कोई भी, मैं आपको कह दूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में परपेशन करके दिखा दें या आस्कल्टेशन करके दिखा दें, कुछ भी करके जो भी, तो ये आपको चार कंपोनेंट पता है। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, ये मरीज बैठा हुआ है और मैंने इसको सिर्फ देख के अपना फाइंडिंग दे दी, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। अगर मैं इसको हाथ लगा दूँ और फील करूँ, दैट इज इंस्पेक्शन। और अगर मैं इसको विद स्टेथोस्कोप सुनूं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और परकशन का क्या मतलब, अगर मैं टैपिंग करके देखूं, तो दैट इज कॉल्ड परकशन। यहां तक समझ आ गई सबको, तो ये चार कंपोनेंट आप लोगों ने याद रखने हैं, इंस्पेक्शन, परपेशन, परकशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको इजी से करके स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा था कि आपको चीजें याद रहे, सीखने की जरूरत नहीं, आपकी किताबों में आया बैठ सकते हैं। बेसिकली आपके लिए जो इधर उधर की बातें बताऊँ वो बेकलोड या करूँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं इसकी फोकस कर रहा हूँ बैठ सकता हूँ, जब आप पढ़े आपको चीज़ें समझ आ रही है। आपकी शादी भी आ रही है जा रही है, तो वैसे वैसे पूछा सवाल है, जाना चाहते थोड़ी दोस्त ने शादी है बढ़िया, कुछ छेद कार्ड में लिया के देता हूँ, कार्ड वाला वाकफ तो नहीं है, सर मतलब मेरी शादी कार्ड, हम क्लास नहीं दे सके, हम अगले हफ्ते भी देना, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੇੜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ, ਆਪ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਾ, ਕਿ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਡ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे क्या बात हुई, ठीक है आपकी, इधर आ जाइए। तो इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारे देखेंगे रेस्पिरेटरी। उससे पहले मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि जब आपने एग्जामिन करना है तो किस पोजीशन में, अगर आपने फ्रंट से चेक करनी, ये तो रूल याद रखें, जब भी आपने चेक चेक करनी है, आपने फ्रंट से भी चेक करनी है और बैक से भी चेक करनी है, और हमेशा राइट लेफ्ट को कंपेयर किया,
पेशेंट को अगर फ्रंट से चेक करना है तो आप उसको सिंपली अगर लेटा है तो ऊपर से देख रहे हैं, अगर बैठा हुआ है तो फिर भी आप फ्रंट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैक से चेक करना है तो पेशेंट को ऐसे कर, उससे क्या होगा उसकी बैक थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी, आराम से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रंट से जैसे ये बैठा कर सकते हैं, और जब बैक से करना है तो सारे तरह। तो ये आपने आज भी बताने के अपने बैक से कहना है कि ऐसे ये पोजीशन समझ आ गई। आगे होता है एक्सपोजर। अब आपने रेस्पिरेटरी हर सिस्टम का अपना एक एक्सपोजर होता है, आपने उसको कितना उसके एक्सपोज करना है, उसको कितना उसके कपड़े उतारने हैं ताकि वो सारा एरिया जो आपने एग्जामिन करना है वो एक्सपोज हो। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सपोज होगा वो यहाँ से लेके तो आप टू ब्लैक सनलाइट, इतना एरिया आपका उसमें एक्सपोज हो। यहाँ से पूरे मतलब आप इसको तो एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो कि पेशेंट को इतना एक्सपोज करना है, ये क्राइटेरिया। हो सकता है कि फाइनल वर्जन में वहाँ पे पेशेंट को दे रहा हूँ, मगर बहुत उसको एक्सपोज कर दूँ। असल में एक बात याद रखें, मेडिकल में ना मेल और फीमेल नहीं होता, मेडिकल में सिर्फ पेशेंट होता है। वो अभी आप जो स्पीड में धीरे धीरे जब हम भी आए धीरे सर को इतनी करना कर दिया परेशान हो इतनी करना करते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग इस प्रोसेस से गुजरते जाएंगे ये लोग बातें अपनी नॉर्मल। अरे तुझे मेरी गलत है सर, सभी की क्या लगता, तो सर ने बहुत कुछ कहना तो उन्होंने एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब कि पेशेंट जो होता है वो मेल हो या फीमेल हो, मेल फीमेल नहीं होता, वो पेशेंट होता है। अब इसमें एक लीगल चीज आ जाती है कि फीमेल को कैसे एक्सपोज करें, फीमेल फीमेल को तो एक्सपोज कर सकती है अंडर या एक प्राइवेसी में रहते हुए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है और फीमेल को एक्सपोज कर सकती है, मेल भी एक्सपोज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास या फीमेल अटेंडेंट का या फीमेल नर्स का या किसी का होना जरूरी, क्योंकि उसके लिए तो पेशेंट ठीक है, लेकिन ताड़ी वास्ते मतलब तुम फीमेल को एक्सपोज ना करना शुरू कर देगा। सर ने कहा से भाई फिर तो ना रख गए, फिर तुम्हें कोशिश करनी है फीमेल, लेकिन मेरे आपको लीगल उसकी चीज बताती है कि कर तो ले सकते लेकिन प्राइवेसी को भी मिलती है। यहाँ तक मैडम आपको मेरी कसम है, आप यहाँ पे प्लीज आप खड़ी अच्छी लग प्लीज, या आप इधर आए ये जो खड़े ना, क्योंकि तुम कर दे गल आप गलत नहीं करते, कसम खाए इधर आए मैडम आप नहीं आप या तो फिर या बैठते हैं कहीं पे या फिर इस तरह खड़े आपका चेहरा है, जब मैं घूमने खड़ा हूँ तो फिर आप लोगों ने देख रहा है कि ये पेशेंट है और आगे आ जाए, आप भी पीछे को चले गए मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है। तुझे हॉस्पिटल अगर दादा को पता नहीं कोई ऐसी गाना हो गया वैसे उनको अच्छा लगा, और कोई गाना आ गया इसलिए कि अच्छा लग रहा है कि हम खड़े हैं, आप गुस्सा लगा भी बात मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और मैं आपके मर्ज की तशखीस के लिए आपका मुआयना करना चाहता हूँ और कुछ सवाल पूछूंगा, इजाजत देते हैं मुझे। तो मैंने ये क्या किया, सबसे पहले उसको अपना जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया इंट्रोड्यूस करवाया और तो ये चीज़ आपने कहीं भी जाना है कोई भी एग्जामिन करना है कुछ भी करना है तो आपने पहले मेरी उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और साथ उसको फिक्र आप पक्का यार कि आपकी मर्ज की तशखीस के लिए मुआयना करना चाहते हो आप मुझे इजाज़त देते और उसके बाद उसका जो प्रॉपर हमने एक्सपोजर मांगा है वो उसको एक्सपोज करना है।
ठीक है, कानूनी कार्रवाई परेशान है। तो आपने इसको जहन में रखना, ये सोच ही ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इंस्पेक्शन पे आ गए। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन की ये हमने इंस्पेक्शन कर लिया। तो इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन मैंने ये होता है कि मैंने मरीज को जाके हाथ में लगा लेट लिया, मैंने इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा लिया, उसको मैंने कंसेंट दे दिया, बस ठीक है सीधा रेडी कोई मसला। तो कंसेंट का मतलब ये समझिए, ये अप टू ब्लैकनेस एक्सपोज। अब मैं गया उससे, मैंने उसके सारा ले लिया, अब मैं उसको इंस्पेक्शन करूँ। इंस्पेक्शन टोटल पहले कितनी है, उसको देखा और मैं उसके फूड टेंट पे चला गया और यहाँ से मैंने उसको इंस्पेक्शन शुरू करा। इसके दरमियान भी टेबल है, समझिए मैं उसकी यही फूड टेंट पे खड़ा हूँ। मैंने यहाँ पे ये बस ये इंस्पेक्शन करूँगा। तो मैंने क्या देखा, अब इसकी मैं आपको थ्योरी बता दूँ। सबसे पहले थे रेस्पिरेटरी रेट, हमें पता है रेस्पिरेटरी रेट जो पूरा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का एक साइकिल होता है, वो होता है एक। और जो एक मिनट में जो पूरे साइकिल आते हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, किसी ने 14 से 16 लिखी, किसी ने 14 से 18। अब माइंड में रखें कि 14 से 18 एक मिनट में वो सांस लेता है। फ्रेंड्स में आपने या यहाँ से इसको मेयर कर ले, टाइम नोट करना शुरू कर दें एक मिनट में इसको। मरीज की पोजीशन कभी कभी होता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, तो ऐसी मरीज की पल्स पकड़ लें, साथ कर लें। जब हम पल्स पकड़े तो इंस्पेक्शन तो नहीं, इंस्पेक्शन नहीं हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मरीज को डाइवर्ट करना। तो इंस्पेक्शन आप करते हैं, इंस्पेक्शन ही रही ना उसका रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन आप पल्स तो फील नहीं कर रहे। अब ना करें, चले ना करें, आप ऐसे आपने उसको एक मिनट देखा, आपको पता लग गया उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है। नॉर्मल कितना रेस्पिरेटरी रेट 14 to 18, और आपने एक बुक लिखती है 14 to 16 लिखती है, 14 से 16 लिखती है, लेकिन आप 14 से 18 भी मान लिया। तो यहाँ तक आपने पहला भी देख लिया इंस्पेक्शन में ये। अगर आप देख रहे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, अभी आपने सारे इंस्पेक्शन के कंपोनेंट लिए। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये होता है कि मेल और बच्चों में जो पैटर्न होता है वो होता है पैर और बच्चे यूज करते हैं अब्डोमन के मसल। आप देखें इसका जो पहला सांस होता है अब्डोमन ज्यादा हिल जाता है, तो जो पैर और बच्चों को जाता है अब्डोमिनो थोरैसिक पैटर्न। और फीमेल में जो पैटर्न जाता है वो थोरक्स के मसल यूज करती है, वो होता है थोराको अब्डोमिनो। ये सारा किताबों में लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं आता। तो आपने इस पैकेज में पहले रेस्पिरेटरी रेट देखा, दूसरा हम क्या देखें टाइम। तो मेल में कौन सी होती है और फीमेल में, और बच्चों में एक होती है इस ज्योति प्रीति, ये हम शाही बता रहा हूँ, इस ज्योति प्रीति केसर की ज्योति प्रीति होती है, एसिड से याद रखे ना, ACIDOTIC। ये वो ब्रीथिंग होती है, डीप ब्रीथिंग होती है, तेज होती है, ऐसे ब्रीथिंग जो आपको कर रहा है वैसे होगा। अभी मैं आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बता रहा हूँ, कौन कौन ब्रीथ, यानी कि डीप और फास्ट। तो ये होती है इस ब्रीथिंग। ये किस में आती है, ये आती है जिनके गुर्दे बड़े फेल और वो डायलिसिस भी रहे, तो फेलियर के पेशेंट में आ सकती है, या डीके डायबिटिक केटोसिडोसिस के पेशेंट में आती है। वो ये होती है कि जिनकी शुगर बहुत बढ़ती है और एमरजेंसी कुछ इनमें आती है। अब मैं एमसी को कैसा बना सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस पेशेंट हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है, उसकी शुगर 814 थी और साथ वॉमिटिंग कर रहा था, उसके वाइटल ये थे, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आई। तो आपके दिन में ऑन इंस्पेक्शन व्हाट इज रीड योर माइंड, किस टाइप की बनी है ये, तो आपने एमसी को या थ्योरी में देखना कि दिस इज इस तरह का एमसी। या मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है वो रेनल फेलियर का पेशेंट है, उसका दिल बिटवीन 9.8 है, और ये सारा कुछ करके वो डायलिसिस पे
और इस तरह कर रहे हैं तो कौन सी ब्रीथिंग आ गई? एक पेशेंट है वो आपके पास आया है, उसके अंडर से ब्रीथ है, ये सारा कुछ है और उसमें जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो एसिडोटिक है। तो एसिडोटिक में कौन कौन किस किस पोजिशन में एसिडोटिक ब्रीथिंग होती है? तो ये इस तरह है, अब समझ आ गई अच्छी तरीके से। तो आपने ब्रेन स्ट्रोकिंग करनी, अपने दिमाग को खोलना है। बेसिकली आपको किसी ने क्लिनिकल ओरिएंटेड किया नहीं हुआ आपके लिए, अगर वो उसकी पता नहीं किया क्लिनिकल स्टेटमेंट आ गई तो ब्रेन स्ट्रोकिंग ऐसी होती है कि आपने आपका जेन खोलना शुरू कर दिया। क्लिनिकली आपको पता लगे कि दूसरे डॉक्टर बढ़ते हैं जरूरी है, तो फिजियोथेरापी करिए, न्यूट्रिशन ही करिए, उनके साथ जितना लीक होना चाहिए ना, करें घर में कोई बीमार हो जाए, जब आप भी मेडिसिन पढ़े, सर्जरी पढ़े, सारा कुछ वही पढ़े, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में उस तरह डाल दिया। अच्छे डॉक्टर की निशानी है, जिसको फार्माकोलॉजी भी आनी चाहिए, इसको मेडिसिन भी आनी चाहिए, सारा कुछ आनी चाहिए। क्यों क्यों सर ऐसे त्राल जाए, ये तो बड़ा डॉक्टर मशहूर है। तो आप पता लगे आप इसको पैटर्न क्या होगा, तो वो आप किताब में उस तरह लेकिन बनाऊंगा मैं सीधे सीधे, मैं आपकी ब्रेन शॉपिंग कराऊंगा। एक पैटर्न होता है उसे कहते हैं काइनेटिक स्ट्रोक, किताबों नहीं फॉलो कर रहे कोई नहीं। काइनेटिक स्ट्रोक ब्रीथिंग में यह होती है कि आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और वो एकदम एपनिया में चले जाता है, रेस्पिरेशन होती है एपनिया में चले जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में मिडोला ब्लैंका में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो हाइपर वेंटिलेशन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो वो इसलिए कभी सांस लेते हैं कभी सांस खत्म। ओके कि कभी ब्रीथिंग चलती है हाइपर वेंटिलेशन में जाता है और ब्रीथिंग एकदम रुक जाती है, ब्रीथिंग चलती है ब्रीथिंग रुक जाती है, डेट इज कार ये इस कंडीशन होता है। वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ना कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक पूरा आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, इसके पूरे पूरे मैकेनिज्म में पढ़ाए किसी ने? वो बिल्कुल प्योर न्यूरोमस्कुलर उसकी जंक्शन की डिजीज होती है, उसमें प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक वो जाते हैं, उसमें एसिनेप्टिक का एसिनेप्टिक वो जो पूरा और डिफरेंट ऐसी दो चीज होती है, जो स्लीप एपनिया आता है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया आता है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज, वो तो मोटे बंदे होते हैं वो सुधर उठते हैं वो और चीज। तो ठीक है, अब आपको अब आपने इसी एग्जामिनेशन में आपने देख लिया रेस्पिरेट किया और साथ ही दूसरा क्या देख रहे हैं, ये एब्डोमिनल थ्रेसिस है, ये अपना कौन सा पैटर्न है, ये एसिडोटिक पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, जो भी इसकी हो आप लाजमी बात है सारा कुछ आपकी पहले हिस्ट्री भी तो नहीं हुई होगी ना, आपको पता होगा रेलवे फेजर का पेशेंट है, आपको लगे रेल फेजर का पेशेंट है, जब मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर चले जाएंगे तो इसमें ब्रीथिंग पैटर्न तो देखो कौन सा है, तो आगे समझ तो वो अगर ये होगा तो डैड इज आ गया, वो आपको बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। अलग अलग शेप ऑफ चेस्ट, हमारी बॉडी की जो आप लोगों ने हर बंदे ने अपनी चेस्ट देखी होगी, मेल ने मेल ने भी और फीमेल ने, वो एलिप्टिकल होती है, एलिप्टिकल होती है, हर बंदे को अपनी चेस्ट का पता है ना, इसको कहते हैं एलिप्टिकल। अगर उसमें कोई इम्बैलेंस हो तो दैट इज कॉल्ड बैरल शेप चेस्ट। नॉर्मल कौन सी हुई और अगर वो नॉर्मल हो तो उसको कैसे देखते हैं, उसमें डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर एंड इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, उसकी रेशियो होती है 5/7, अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो इट्स मीन किस कंडीशन में आती है रेस्पिरेटरी एम्फिजेमा, सीओपीडी हुई, रिकेट्स में भी होती है, रिकेट्स में तो पेप्टिस कैरिनेटर
ठीक है, शेप ऑफ चेस्ट नॉर्मल कौन सी है? इसमें भी है। और नॉर्मल कौन सी है? क्यों डिस्टर्ब होती है? रिक्शो डिस्टर्ब हो जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर है। आगे आगे डिफॉर्मेटिक, अब आपने देखना है कि डिफॉर्मेटिक क्या है। आप कहते हैं एक होती है ऐसे चेस्ट, जिसको कहते हैं पेप्टस पेरिनेटम। एक होती है कि आपके जो लोअर स्टेमिना में वो अंदर को चला जाता है, उसको कहते हैं पेप्टस एक्सक्रीटम या पेरिनेटम चेस्ट। ठीक है, एक होता है काइफोस्कोलियोसिस। आपकी जो पूरी स्पाइन है ना, पीछे को स्पाइन तो नाम रेडी करते ना, वो पीछे को निकल आती है ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड अब स्पाइन डिस्टर्ब हो गया, दैट इज कॉल्ड काइफोस्कोलियोसिस। ये डिफॉर्मिटी है सर। हां, अब ये होती है कि पेप्टस कैरिनेटम या पिजर शेप जैसे किस में आती है? क्रोनिक कोई लंग डिजीज हो या आपके पास उसका विटामिन डी सी सारा डिस्टर्ब है, उसकी चेस्ट फॉर एग्जाम्पल कितनी लंबी स्टेबल बनाते हैं, उसकी चेस्ट किस तरह की होगी, किस तरह की जब अगर पेशेंट आता है आपके, उसकी पीछे शेप चेस्ट है, उसमें ये फाइंडिंग, उसमें ये फाइंडिंग है, तो आपके जैसे डायग्नोज क्या आता है? डॉक्टर में रिकर्स आता है या क्रोनिक कोई नाम डिजीज है, इस तरह से होता है। ठीक है, आगे सब अच्छा। जो दूसरी होती है फंडल शेप, वो किस में बनती है? कुछ डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, और एक काइफोसिक्लोसिस होता है, वो भी इस कंडीशन में होता है आपकी स्पाइन की वजह से डिस्टर्ब हो जाए। तो शेप डिफॉर्मेटी आपकी ये हो सकती है, और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन दो तीन आप ये याद रख ले। आगे आ गया कोई पल्सिस स्कार तो नहीं नजर आता? आप देखते हैं इसकी चेस्ट एक्सपोज है, इसके इतना बड़ा कट लगा हुआ है, क्या शो कर रहा है? हो सकता है क्योंकि सर्जरी हुई, इसका कोई बाईपास हुआ हो, तो स्कार ही आपको कितना डायग्नोज में है। अब पता लगा कि इंस्पेक्शन भी कितना कोई डायग्नोज करवा देती है मरीज को बगैर हाथ लगाए। इंफीरियर लेवल जब जो ऑब्स्ट्रक्शन है, आप लोगों को अपनी चेस्ट सामने देखी होगी, 20 दफा देखते होंगे, नहाते देखते होंगे, शीशे के आगे देखते होंगे, देखी होगी, तो आप देखोगे यार आज है कि चीज आ गई। ये बहुत ज्यादा वो जिस तरह होती है आपकी पल्स से बड़ी ऐसे ऐसे धड़क रही है, या किसी मरीज की धड़क रही है, एबनॉर्मल चीज आ गई, तो आप इसको क्या कहते हैं? पल्सेशन आ रही है कोई, तो इन्फीरियर वेना कैवा फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसमें रात भी बारहवीं प्रेशर पीछे को पड़ेगा और आपकी पल्स बाहर को, आपको देखते आगे लगेगा कि इन्फीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। अभी तक आपने मरीज को हाथ है आगे चेस्ट मूवमेंट्स आप देखते हैं कि आप नॉर्मल चेस्ट में आप लोग अपने चेस्ट में बार बार देखते होंगे, आज जाके तो ज़्यादा गौर से देखोगे तो वाकई सारी चीज़ें सही से सर हमें मार देते हैं। तो देखिए मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहा हूँ, तो मुझे पता है ये दोनों मूव ऐसी ऊपर नीचे मूव करते हैं, इसका मतलब इक्वल मूवमेंट हो रही है चेस्ट में, चेस्ट मूवमेंट। अगर मुझे लगे यार मूवमेंट ठीक नहीं जा रही, इधर लगता है मूवमेंट रिड्यूस हो, अगर वो सांस पूरा ले तो तबे का मरीज है, मैं ऐसे सांस लेता हूँ पूरा सांस लिया मैं इंस्पायरिंग ब्रीथ में, देखिए अगर तबे का मरीज वो करे ऐसा जरूर जोर लगा तो खांसी करके उसका सांस खराब हो जाए, क्योंकि पूरी चेस्ट को उस तरह इंस्पायरेशन भी नहीं कर सकता उस तरह, तो क्या होगा इसका मतलब उसकी जो चेस्ट मूवमेंट्स है वो सारी, या किसी की जो रिब टूट जाए, उस रिब को टूटने क्या कहते हैं या पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, तो फिर आपने चेस्ट मूवमेंट में क्या देख लिया ये। अब आपको आपकी इंस्ट्रक्चर खत्म होगी, अब आप उसमें प्रैक्टिकली करके दिखा। डॉक्टर शहजाद है, मैं आपके मर्ज की तशखीस के लिए आपका मुआयना करना चाहता हूँ, इजाज़त देते हैं? उसको एक्सपोज किया, ठीक है।
His respiratory is 17 per minute, breathe per minute. Type of respiration is abdominal thoracic. No scar, no pulsation. No deformity. Movements of chest normal. और एक चीज मिस हुई क्या है वो शेप ऑफ चेस्ट इज एलिप्टिकल. अब आपको पता लगा स्ट्रक्चर में क्या मकसद है या आपने अब आपको ये उसकी थ्योरी पता लगा कि मैंने क्या क्या चीजें देखी और क्यों देखी. तो अब यहाँ तक क्लियर सारे. अब थोड़ा सा ब्रेन आपका क्लिनिकल होना शुरू हुआ है कि नहीं. तो आपने अपना दिमाग ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. अब आपको इंस्पेक्शन का आइडिया हो गया उसको एक्सप्लेन करके कंप्लीट पता लग गया आपको कर दिया. तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहते हैं ये किस फिल्म का था. तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया ते अख भर आई किसी से अब क्या कहना. पता नहीं केड़ी मती मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. काजल जाती है वो आके भजी होती है. किसी का पहला प्यार अधूरा रहा बयान करें. आज मौका दे रहा हूँ आपको. तू यार बहुत ही ना अरे सारे घर मेरी मेहरबानी थोड़ी थोड़ी तेरे बारे यार तेरे सारे शादी करेंगे ना हर गया मूव हर गया आपके माशाल्लाह उसके तीन और तेरा जो ये पहला प्यार था मैट्रिक दिखाना तो सब नहीं हो जाता. ये सब की बात आप तो आप उससे तीन बच्चे हैं माँ को बांट चुके हैं ना उसको पता है ना मुझे पता है. बस शादी पे देखा था मैट्रिक एफ आई हर बंदे ने पता नहीं है. मैं कॉन्फिडेंस ना आपको दस आप उन्हें थर्ड कर दे और फिर जब उससे फोन पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और जब फोन पर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसके एक लफ्ज भाई ने मुझे मार दिया. तो फिर काजल एवं नहीं कहती मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. काजल बहुत सारे बंदों को प्रेजेंट कर काजल हमारे दुखी दिलों को जानते वो कहनी कहनू आके किसी परिवर्ती कहनू कहने रुतमती कहनू कहने यूट्यूब के बड़े खोल के बैठे काजल कहनू कहने रिपत्ती मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया.
मेरे पति अपनी माँ को ये पति उसकी जो होती है वो भूख होती माँ तो रिपति जो होती है ना बेसिकली वो जो जज्बात है ना वो याद आ जाती है मुंडे ने मैं भी नहीं एक डबरे पिला दिता उन्हें रोक दी जो दुखी रग थी वो छेड़ती मेरी हाथ जाने भी दे दूंगा तू के ओ जाने जाना जवान नहीं है फिर मक्खन भी किसे रह जाए क्या आपकी आवाज है पता हुआ अच्छा इस पिक्चर को मैं थोड़ा मॉडिफाई किया है ओरिजिनल गाना किसी और था कि मैंने इसको ना अभी दो एक दिन अपनी ना वो करनिया सी सुर लैब तार बना रहा सी गाने मैं कह गाने को कितना दुखी बनाया जा सकता जाने भी दे दूंगा तू के ओ जाने जाना फिर मैं कहता नहीं जाने भी दे दूंगा मैं कहता सुन नंबर आ गया तू के ओ जाने जाना मतलब ऐसा गाने में मैं फिर पुराना इतने बैक ही होती था अगली असाइनमेंट तुसी जो दुखी बन के होना मत तुसी एदे विच की होदी है नहीं इंप्रोवाइजेशन की होदी है ये हर चीज इंप्रोवाइजेशन जाएगी ताडे एमसीक्यू जे भेज दे इंप्रोवाइजेशन ते मैं बड़ा दुखी इंसान दर्द दिल में दर्द है अपना पहला दूजा प्यार दबना खिलाड़ी बन गया यहाँ तक मजाक था इन इतनी रात के इतनी उन सर में जाकर के सर बड़े यार कर दे इतने जरा मजाक होता था उन्हें तो आज दोबारा एक जगह दोबारा एक जगह तो उसको दोबारा एक जगह लेके आता हूँ कि सारे क्यों उठो दावे ताकि आप तो उसने फ्रेंच क्यों लेकिन रूपति वाली गाल में पसंद है ज्यादा प्यार की गाल है हाँ जी बोलो की कह रहे हो कुछ ही बोलो अब आ गया बंदे अब अपने मरीज को लगाना है हाथ अब इसकी जैसे मरीज को हाथ लगाना है तो मरीज को हाथ लगाने के सबसे पहले आपने उसको देखना है अफेक्ट्स भी टेंडरनेस मतलब ये होता है कि उसको दर्द भी उसे पूछना है कोई दर्द वगैरह नहीं है अब आपको पता है कि एक मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो ट्रिक है वो सेंट्रली प्लेस्ड होती है लेकिन थोड़ी सी लाजवाब लगती है अगर एग्जाम्पल जो मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि यहाँ पे फेफड़ों में पानी भरा हुआ है प्लूरल फ्यूजन है पर तो वो जो ट्रेकिया को किस तरफ दिखेगी इधर या इधर मतलब जहाँ पल्मोनरी फ्यूजन या पल्मोनरी वो आपको जब हम एक्सरे देखेंगे हम नहीं समझ आ रही सब देखेंगे यार थे अवे फ्रॉम द डिजीज साइड हो गए तो क्या सकते हैं पल्मोनरी डीमा या पल्मोनरी में क्या होता है हो सकता है क्या इसमें पल्मोनरी डीमा या पल्मोनरी फ्यूजन अगर फाइब्रोसिस हो गई है या लंग कोलैप्स हो गया है तो वो जब लंग वो अपनी तरफ खींचेगा उसको ट्रेकिया को अपनी तरफ लाभ मेरा सुकड़ गया तो ट्रेकिया को किसकी तरफ खींचेगा टू वर्ड्स
ये कंसेप्ट है आप लोगों का। अगर पानी भर है या नीमो थोरेक्स तो वो उठा के बड़ा मारेगा ट्रेकिया, और एक्सरे कराएंगे तो नजर आ रहा होगा ट्रेकिया बड़ा मूव कर गया, और अगर फाइब्रोसिस हो गया लंग सुकड़ गया तो वो अपने तरफ ट्रेकिया। तो आप देखेंगे यार एक्सरे में ट्रेकिया इधर भी इतना चला गया सारा, या इस तरफ चला गया सारा लंग। तो ये कंसेप्ट था। तो अब आपने देखना ट्रेकिया, ट्रेकिया इस सैटरडे को क्लिनिकली कैसे देखते हैं, वन फिंगर मैथड, टू फिंगर मैथड एंड थ्री फिंगर मैथड। जिन एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों को लेकिन अपने सारे करके, वन फिंगर मैथड, टू फिंगर मैथड एंड थ्री फिंगर मैथड। ट्रेकिया सैटरडे यही है ना, तो ये आपको आइडिया हो गया। आगे दूसरा पॉइंट आता है, ये मैं करके भी दिखाऊंगा इसके ऊपर, अब मैं पहले पढ़ा दूँ आपको। दूसरा था अपेक्स स्पीड, निप्पल किस स्पेस पे होता है, मेल और फीमेल का निप्पल किस स्पेस पे होता है? निप्पल जो होता है वो फोर इंटरकोर्टर स्पेस पे होता है, फोर इंटरकोर्टर स्पेस पे होता है निप्पल। दोनों तो ये आपकी एक देखे ना, अगर आपको कहेंगे रिब्स गिनिया शुरू कर दो, एक रिब दो रिब, आपको गलती ना, तुझे आप रिब भी गलत ऊपर नीचे कर दें, तो आप ये ना हो गए उस जो हम देखना चाह रहे हैं वो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। तो हमने मैं आपको सिंपल उसका बता दी, जो निप्पल होती है वो फोर्थ इंटर पोर्शन पे, और आपका जो अपेक्स स्पीड क्या आता है, अपेक्स स्पीड होता है जहाँ पे आपकी दिल की धड़कन बहुत लाउड बिल्कुल क्लियर हो, वो अपेक्स स्पीड होता है। तो अपेक्स वेट होता है फिफ्थ इंटरकोर्टर। तो इट्स मीन अगर मेरा निप्पल ये वाला है, ये मेरा निप्पल है, तो आप मुझे इतने रिब्स गिनने की जरूरत नहीं, मुझे पता निप्पल ये पड़ा, ये पेशेंट का निप्पल ये पड़ा, तो मैं डायरेक्ट उसके नीचे फिफ्थ इंटरकोर्टर पे चले जाऊंगा और मैं कहूंगा ये मेरा अपेक्स वेट। एक तो ये होगा फिफ्थ इंटरकोर्टर स्पेस, और दूसरी चीज होती है ये स्टैंडम से कितना परे, तो 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हम जाएंगे, हमें पता होगा, हम मरीज के हाथ करके हमें पता है ये पड़ा यहाँ, हमें फील होगा ठीक है, 9 सेंटीमीटर अवे हम कहेंगे इसकी अपेक्स स्पीड अच्छी जगह पे, अगर ये इधर उधर हो तो इसकी भी अपनी कोड से कोलैप्स ऑफ लंग में हो सकता है, फ्यूजन में हो सकता है, एमआई में हो सकता है, इसके अपने काजे में होते हैं। मतलब अगर अपनी पोजीशन ही में पैक्स भी सही कमी हो गया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको ट्रेकिया का पता आ गया और पैक्स स्पीड भी ऐसे आ गया, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मूवमेंट ऑफ चेस्ट वाल, मूवमेंट ऑफ चेस्ट वाल होता है कि मरीज बेटा आप इधर सांस के ऐसे हाथ रखना है, वो सांस लेगा तेज तो आपका हाथ ऑटोमेटिक आगे पीछे मूव करेगा, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे बैक पे। तो मैं इसको दिखाता, मैं कहता हूँ सांस ले मुझे बोल देता हूँ, मैं तो नहीं कर रहा है, अगर मेरा सांस बिल्कुल चेस्ट ठीक होगी तो वो इक्वल इक्वल मूव करेगा, अगर वो ऐसे मूव करे इसका क्या मतलब है, मतलब पोजीशन तो ये होनी चाहिए, आपने इसको समझाने के लिए करा, इसका मतलब है इधर कम जा रहा है इधर ज्यादा जा रहा है, तो प्रॉब्लम किस तरफ होगी, इधर कम जा रहा है, क्योंकि देखो इसकी तो एक्सपेंशन पूरी हो रही है लेकिन इसकी नहीं हो रही, इसमें शायद मसला हो, कोई कैश खराब हो तो वो हल्का सा जाएगा, तो अगर इक्वल जा रहा है तो नॉर्मल है, अगर अन इक्वल जा रहा है तो प्रॉब्लम है। तो ये आपका क्या हो गया मूवमेंट ऑफ चेस्ट वाल, आगे आ गया एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वाल। आपने इंट्री टेप पकड़नी है, नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वाल 5 सेंटीमीटर है उसकी इंट्री तो होती है, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो इसका मतलब पूरी एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, चेस्ट में प्रॉब्लम। उसका क्या तरीकाकार होता है, इंची टेप पकड़नी है, यहाँ से जाना है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखे होते हैं टेप के ऊपर, उसे क्या सांस ले वो उसी तरह खुद मूव करें, अगर 5 सेंटीमीटर तक या 4 या 3 6 है तो नॉर्मल है, अगर 2 से भी कम रह जाता है दैट मीन प्रॉब्लम है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अब इसकी थ्योरी समझ आ गई आपके। आगे एक होता है वोकल प्रीमेटस, एक होता है वोकल रेजोनेंस। वोकल प्रीमेटस वो होता है जो हम विदाउट स्टेथोस्कोप करते हैं, और अगर हम विद स्टेथोस्कोप करें तो दैट इज कॉल्ड वोकल रेजोनेंस। वोकल प्रीमेटस होता क्या है, हम रीड के बाद जाते हैं उसे कहते हैं कि बोले 999 बोले 999 थोड़ा जोर ना 999
ऐसे यहाँ से ऐसे बैक से देखना, तो आहार बंदा अपने चेस्ट पे हाथ में जो देखे बोले 999 फील करे उसको रिसीव वाइब्रेशन फील हो। तो क्या मतलब इसका, ये नॉर्मल आप जैसे जैसे एक्सेस में जाते जाएंगे आपको पता नहीं था, और एक आप अजने के पेशेंट का करते देखें तो उसमें होता रहता है। तो मेन ये नॉर्मल तो अब आपको पता लग गया इस तरह की वाइब्रेशन है। अगर पहुंचे तो आपके पेशेंट में आएगा, लेकिन अगर इसी वोकल को इसके ऊपर करके देख लूँ बोलो 999 तरीका वही है वो हाथ 999 999 999 और हमेशा ये याद रखना कंपेयर करना। तो अगर मैं इसकी मदद से करूं बैट स्टार्ट और ये करना ऑस्कर स्टेशन में देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर मैं आगे जाकर भी आपको बता तो आपके ये पूरा कंपेयर होगा। अगर कंपेयर आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ठीक है। तो ये कंपेयर पता लगी सारी, सबसे पहले मैंने किया टेंडर दे रही, उसके बाद ट्रे किया वन फिंगर मेथड टू फिंगर मेथड थ्री में ट्रे किया को देखा, उसके बाद में डायरेक्ट गया मैंने देखा पैक स्पीड को देखा बहुत तरीके और ये दो चीज़ें देख रही, अब मैंने ट्रे किया भी और पैक स्पीड को देखा, उसके बाद मैंने ये क्या किया चेस्ट मूवमेंट को देख लिया ऐसे नॉर्मल आदमी जो मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने वो इंची टेप पकड़ी चेस्ट एक्सपेंशन देख ली, उसके बाद मैंने क्या किया बोले 999 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
पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? रेजोनेंट। चेस्ट के ऊपर कौन सी होती है? रेजोनेंट। या अगर निमोथोरैक्स हो जाता है हवा अगर, तो फिर वो कौन सी कंडीशन में चले जाएगा? अगर वो किसी ऑर्गन के ऊपर आ जाती है तो फिर कौन सी वो परफेक्शन रेजोनेंट खत्म हो जाएगी? किसी आदमी के डाल तो किसी ऑर्गन के ऊपर आएगी वो डेथ। नॉर्मल कौन सी है? आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी, मतलब हम कहते हैं एक बंदे को फीवर आ जाए, मैं चैम्सी को बना करूँगा, एक बंदे को फीवर आया सारा कुछ रहा है उसका, हम पचास कैंटर में जानी होती है, लीवर बढ़ गया, हम कहते हैं एक लीवर यहाँ तक नॉर्मल आता है, वो इतना बढ़ जाए यहाँ तक आ जाए चेस्ट में आ जाए, तो मैं कहते हैं ये रेजोनेंट है, ये रेजोनेंट होने चाहिए, यहाँ पर आगे डायल हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ऑर्गन लीवर इतना बढ़ गया, इसी तरह हर ऑर्गन के ऊपर हॉस्पिटल है ना। तो ये हमारी तो प्रैक्टिस बढ़ी है, आप लोगों के आप लोगों ने लड़कों ने लड़कियों लड़कियाँ देखते नहीं, लड़कों ने लड़कों के ऊपर कहानी, लड़कियाँ बैक से कर सकती हैं, तो आप लोगों ने आपस में प्रैक्टिस कैसे करनी है, बैटरी में आ गई आपकी उसकी बैक पे गए उस पर जाके ऐसे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें रेजोनेंट की आवाज़ किस तरह से, वो खामोश रहना है, ये होती है आपकी परकशन। आवाज आ रही है, ये मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए आप लोगों को स्टार्ट में इतनी आवाज नहीं आ रही। अपने हाथ पे कर रही है, हाथ पे नहीं आती। नहीं वैसे वैसे आवाज ठीक है, और ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस चाहिए, आपने ठीक सही कर लिया, देख लीजिए इतनी जल्दी नहीं आती। इसकी क्या आवाज़ है? इसकी कोई आवाज़ इस तरह आती है? वो ये आवाज़ आती है जो उसके ऊपर आएगी, वो बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं आया, वो ये वो जो आप कह रहे हो आवाज़ में फड़क, वो ये आवाज़ है जैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये क्या चीज़ है? मैंने बता दिया कहाँ पे किस जैसी आवाज आएगी, वो आपको समझ आ गई, नॉर्मल के ऊपर तरह की आएगी, नॉर्मल कौन सी होती है, तो इंशाल्लाह जब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मरीज देखने शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी यार, बहुत पता लगेगा। तो पहले आपको मेथड आने चाहिए, नॉर्मल और मेथड आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा समझ आ गई।
आपकी सर सर सीओपीडी के पेशेंट में हाइपर रेजोनेंट मिलती है हाँ कह सकते हैं थोड़ा चलिए दिल्ली लगता सजना शायर महबूब को कहता है सारे दरी बात प्यार झूठा से ही दुनिया को दिखाने आ जा प्यार झूठा से ही दुनिया को दिखाने आ जा तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा शायर को मेरी नज़र में कहीं ना कहीं इजाज़त होती है कि वो महबूब को झूठ बोलने के लिए कह सकते हैं उसको इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि महबूब हासिल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत लफ्ज़ों का हेर फेर और थोड़ा बहुत इजाज़त होती है शायर को कि दो नंबरी काटे दो नंबरी से मुराद ये होता है कि उसका जो अल्टीमेट गोल है वो ठीक है कि मैंने अपना महबूब हासिल करना आपको पता है शायद कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में शिर्क भी कर देते हैं लेकिन वो शिर्क हम उसको नेगेटिव ले जाते और बात है लेकिन वो करता है अपने महबूब के लिए उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उसको खुदा से ज़्यादा करूँगा लेकिन वो प्यार में इतना गिर जाता है कि थोड़ा बहुत वो कर देता है तो इसी में भी शायर यही कह रहा है अपनी महबूबा को उकसा रहा है कि प्यार झूठा ही सही प्यार झूठा ही सही की गाने भूल गया मैनू जो भी दुनिया को दिखाने आ जा जो भी तो मोहब्बत में इतनी ताकत है दसन का मकसद जैसे मेरे पास भी कुछ नहीं है ना आपके एग्जाम के लिए इस तरह शायर को भी कुछ भी मित्र नहीं लगा रहा महबूब ने समझ आई गाली का नहीं आज आगे तो पूरे इलाके च रोना ना पाओ कि सर इदा दी गल्ला करते पाओगे तुम नहीं नहीं करो सर आपस में करो ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਔਸਕਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ नॉर्मल ब्रीथिंग होती है डैट इज वेरी गुड मतलब आप स्ट्रेंथ रखे ना तो हम जैसे आप नॉर्मल सांस में पता हम एक्सपायरेशन लंबी लेके जाते हैं और एक्सपायरेशन हमारी इतनी लंबी नहीं होती ऐसे ही मतलब हम इस तरह सांस भी लेते हैं ना ऐसे सांस हम तो नॉर्मल लेते हैं एक्सपायरेशन हमारी लंबी होती है तो डैट इज कॉल्ड वेरी गुड When the inspiration is prolonged than expiration, and there is no space between inspiration and expiration, there is no pause carry. That is called when there is prolonged inspiration than expiration, and there is no pause between inspiration and expiration. That is called and that is normal. And bronchial breathing is that when there is equal inspiration and expiration and there is pause between inspiration and expiration. That is called bronchial breathing. मैं इन्हीं का ही बोल सकता हूँ तो ज़्यादा बोला मेरे को घबराहट शुरू हो गई ठीक है तो ये क्या चीज़ थी हमारे अब आपको कम से कम नॉर्मल का पता तो
और जो नॉर्मल है वो कौन सी है? और जो नॉर्मल है वो कौन सी है? आप हम अगला आ गया, ये आपका मास्टर टीचर आ गया, ठीक है। क्या बात, रोकाई और फीस में क्या बात? मैडम आप गुस्से में तो नहीं? आपने किसी बात को माइंड नहीं किया? किसी ने भी किसी बात को माइंड नहीं किया? क्या है गुस्से में है ना? मैं पता नहीं क्या लाया गुस्से में रहती, क्या वजह इस बात? क्या रीजन है? और केड़ा गुस्से वाला बंदा है? मैंने पहला दस दो कोई गुस्से वाला बंदा है? सारे सारे यार तेरे मेरे पास आता आ चल रोकाई एंड बीस जो होते हैं वो सेम। फॉर एग्जाम्पल किस में आते हैं? बहुत सारी कंडीशन में एक में आप बताते हैं ब्रोंक के अस्थमा में आते हैं। सेम चीज है, किसिंग साउंड है, सीटी जैसी आवाज आती है, लेकिन सेम तो फिर नाम में फर्क क्यों आता है? एक मरीज बैठा है अस्थमा का और वो सीटी जैसी आवाज आ रही है और आपने भी स्टेथोस्कोप नहीं लगाया, विदाउट स्टेथोस्कोप जो विसरिंग साउंड आएगा दैट इज कॉल्ड विसरिंग। और अगर जब आप विद स्टेथोस्कोप वही साउंड सुनेंगे दैट इज कॉल्ड अब फर्क आ गया दोनों में समझ जी। बोथ आर विसरिंग साउंड बट विद स्टेथोस्कोप दिस इज कॉल्ड समझ आई मैडम? मैडम आपने तो शादी में जाना, रोटी पानी मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांस साहब ये आता 10 मिनट चलिए जहां पे भी आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो इस जैसी आवाज आएगी दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडर। या जो हम लफ्ज मेडिकल वार्ड में यूज करते हैं ये स्ट्राइडर आ रहे हैं, इसको तो आपने फौरन समझ जाने के चाहिए भी आप पता लग गया ये तरह का आपको आनी चाहिए थी पहले ही, लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक रिपीटेशन द क्रैकल्स बोथ आर सेम, एक होते फाइन रिपीटेशन और क्रैकल्स, एक होते हैं जो फाइन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि जैसे आप किसी चीज में से बुलबुले में अगर ऐसे ब्लो करें या कोई चीज पानी में से गुजरे तो बुलबुले से बन जाते हैं, ऐसी आवाज आती है जैसे पल्मोनरी एडीमा हो गया, जो पानी होता है ना जैसे तेज तेज हवा गुजरेगी हमारा सांस गुजरेगा तो उस जैसे जो साउंड आएगा बबल्स तरह का साउंड होगा दैट इज कॉल्ड फाइन ट्रैक्टर। और जैसे आप तेज आंधी और दरख्त के पत्तों जैसे वो करते हैं तो डैट इज कॉल्ड कोर्स 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 आंधी में दरख्त के पत्ते आंधी में दरख्त ये समझ आ गई? यस सर।
अगर कोई चीज जैसे बबल्स के अंदर या पानी के अंदर से गुजरे हवा एक साउंड आता है, आप जब टेस्ट में परमानेंट एडिमा है आप उस पेशेंट को दिखाएंगे मैं, अगर पेशेंट होते हैं इंशाल्लाह अगले आंधी आती है और पत्ते कभी देखे हवा आगे तो वो जो साउंड है डेट इज कॉल्ड अच्छा किसी ने आवाज दी है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, बाकी एक आधी चीजें वो आपने उसने पढ़ लेनी जो आपके रहेंगे बेड साइड में, वो इजी सी चीजें हैं कि 3 ग्राम तो ज़्यादा प्रोटीन होगी तो एक्सीडूटर दवा ट्रांसम्यूटेट होता है वो पढ़ लेना, वो टीवी में आता है मैं उसमें से एमसीक्यू बनाऊंगा। और बाकी वो ट्राई का पिए वो तो सिंपल है, हेमोटाइसिस क्या होता है, ब्लड इन स्पूटम 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 और किसनिया का होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किडनिया का होता है नो आई डोंट नो हां इतना सवाल स्टार्ट ही तो पढ़ लो पूरी रेस्पिरेशन एटलीस्ट हम बेड साइड से पढ़ लेंगे और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो मैं आपको लेकिन मैंने ज्यादा फोकस आपके लिए बेड साइड जैसे आप आरसीपी जैसे मैं आरसी कर रहा हूँ उसका मैथड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, सिस्टम यही होता है वो बड़ा क्या करता है उसके लिए आपकी थ्योरी और वो सारा कुछ तेज होना चाहिए। आप फार्मा भी सिस्टम मेडिसिन भी लागू वो कहते हैं अब आपको थ्रू देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टी होता है तो हम जाते हैं हमें पता सर वो सुस्तान थी तो ये सारी चीजें इस तरह की बात ये एडवांस है लेकिन तुझे उस लेवल पे नैंड जो से किससे लेवल देते आगे समझ आप सब यस सर पहले रेस्पिरेटरी मुखातर भी है मैं बस जो भी पढ़ाया जो पूरा आपके रेस्पिरेटरी के बाहर है वो सारा जो अपना पढ़ा किसी ने बहुत सारा एक क्लास थी 15 मिनट